आज हम आपको काल तथा पुट ऑप्शन के बारे में बताएंगे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर। तथा यह जो काल और पुट ऑप्शन है, ये फाइनेंस में काम आता है। आप देखिए कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स लेते हैं, ऑनियन ऑनियन देखो, एट अ टाइम जो ऑनियंस की मार्केट में कीमत चल रही है 100 रुपए का पर केजी है। मिस्टर जो है, मिस्टर मोहन, इसके पास 1000 केजी है, किलोग्राम्स ऑनियंस हैं, ठीक है। एस इसके पास 1000 केजी ऑनियन है। मार्केट जो प्राइस चल रहा है, प्राइस है इसका आज की डेट में ₹100 पर केजी है, पर केजी। अब कॉल ऑप्शन क्या होती है, हम कॉल ऑप्शन के बारे में जिक्र करते हैं। कॉल ऑप्शन ऑप्शन कॉल ऑप्शन एक तरह का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है कि जो मिस्टर सोहन है, सोहन है, इसको उम्मीद है कि कीमतें बढ़ेंगी। एस्टिमेट्स प्राइसेस ये प्राइसेस को एस्टिमेट करता है, एंड इट विल राइस, इट विल राइस, ये बढ़ जाएंगी। अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो ये कहता है कि मुझे राइट्स दो। जो मोहन है वो कहता है कि कितनी बढ़ेंगी। मिस्टर सोहन कहता है जो कीमत है वो बढ़ जाएगी अप टू रुपीस, जो राइस होगी 110 रुपए पर केजी तक जाएगी ऑनियन की कीमत। वो कहता है कोई बात नहीं, मिस्टर सोहन कहता है मैं आपके साथ एक कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ। जो मिस्टर सोहन है, मिस्टर सोहन है, और मिस्टर मोहन, मोहन, इनमें एक कॉन्टेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ये हो जाता है इनका आपस में, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मिस्टर सोहन है ना, सोहन पेश करेगा सिर्फ इंक्रीज कितना हुआ, 100 रुपए तो मार्केट रेट चल रहा है, 110 रुपए वो एस्टिमेट कर रहा है बढ़ेगा, तो 10 रुपए, ₹10 पर केजी या केजी है पे करेगा टू मिस्टर मोहन, मोहन को पे कर दिया। तो इस हिसाब से वो पे करेगा 10 गुना, अगर उसके पास 1000 है केजी या प्याज तो वो 10,000 का पे करेगा ₹20। अब दो ऑप्शंस हैं, अगर प्याज की कीमत नहीं बढ़ती, मान लो इन फ्यूचर, मान लो कि ये 3 महीने 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सपायरी पे है, मान लो एक्सपायरी है आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइस इंक्रीज नहीं होती, प्राइस इज नॉट राइजिंग, इंक्रीज नहीं होती। तो क्या है कि जो सोहन है खरीदेगा नहीं, ठीक है, सोहन के पास राइट है, सोहन विल नॉट राइट, सोहन विल नॉट बाय, खरीदेगा नहीं 110 पे, क्योंकि 110 भी नहीं पहुंची, अभी 100 रुपए ही केजी है, राइस नहीं होती तो, क्योंकि इसको मिलना तो 110 पे है, अगर 120 हो जाए, 130 हो जाए। अब मान लो कि जो प्याज की कीमत है, मान लो दूसरी ऑप्शन है,
ये जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस विल रीच एक्सपायरी पे ही 3 महीने के बाद रीच ₹130 पर केजी हो जाते हैं, पर केजी। तो इसका जो लाभ है कितना होगा? फर्स्ट केस में तो लॉस हुआ, फर्स्ट केस में ₹10,000 का लॉस हुआ, लॉस। इस केस में देखते हैं कितना लाभ होता है। अब 130 वाला माल है ना, तो 130 रुपए केजी हुआ जब प्राइस 3 महीने के अंदर अंदर, तो इसको मिला तो ये प्राइस है, बाय किया इसने यही 130 वाला 110 रुपए का पर केजी के हिसाब से, तो ये है 1,000, तो इसको मिल गया ये 110,000। और मार्केट प्राइस है, प्राइस है 130 रुपए, ये 1,000 केजी 1,30,000 का है। तो नेट जो मुनाफा हुआ है इसको, वो मैं बता देता हूं आपको, 1,30,000 में से ये घटा दो 1,10,000, और ये घटा दो आप इसमें से, और जो इसने पैसे दिए थे एडवांस में वो 10,000 थे, नेट मुनाफा इसका हो गया 10,000 रुपया। इसको इस डील में प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपया, ठीक है। ये मिस्टर सोहन का प्रॉफिट है, प्रॉफिट। उसको अधिकार है, अगर कीमतें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ती तो उसको अधिकार ना खरीदे, अगर कीमत बढ़ जाती है तो वो उसको खरीदेगा और मुनाफे में आएगा। जबकि अगर आप इसके साथ ही दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, पुट ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में राइट मिलता है सेलर को, पुट ऑप्शन में किसको राइट मिलेगा? सेलर को मिलेगा कि वो बेच सकता है या नहीं बेच सकता, ऑन राइट इन द हैंड ऑफ सेलर। मान लो सेलर को उम्मीद है कि कीमतें जो है ना, अब मिस्टर जो सेलर है, सेलर इसमें क्या है, विल एस्टिमेट, एस्टिमेट जो प्राइसेस है, एस्टिमेट द प्राइसेस विल फॉल, कीमतें गिरेंगी। अब कितनी कीमत गिरेंगी, मान लो मिस्टर मिस्टर मोहन है ना, वो कहता है कीमतें जो है ना आपकी 90 रुपए पर केजी का प्याज हो जाएगा, पर केजी का। तो ठीक है भाई, अगर 90 रुपए पर केजी का प्याज होगा, मान लो ऑन द एक्सपायरी, इसकी भी दो कंडीशंस हैं कि अगर इफ एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी कीमतें नहीं इंक्रीज फॉल होती, इफ प्राइसेस विल नॉट फॉल, फॉल नहीं होती, तो लॉस कितना है हम देख लेते हैं कि जो सेलर ने एस्टिमेट किया था कि कीमतें 90 रुपए कम होगी, तो 100 रुपए का रेट अभी है और 90, ये 10 रुपए लॉस, 10 रुपए कम बता के दे रहा था बायो को, ये 1,000 है, इधर ही है, सिर्फ 10,000 रुपए का उसको घाटा है, लॉस है सेलर को। अब मान लो जो कीमत है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बीस ऑप्शन है,
एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, टाइम ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायरी होती है ना कॉन्ट्रैक्ट की, प्राइसेस हो जाती है 70 रुपए पर केजी, पर केजी। अब बेचेगा तो 90 रुपए में, देखो सेल कितना किया, सेल कह देगा, सेल सेल कह देगा, ठीक है, पुट सेल जो है वो पुट सेल कहेगा 90 रुपए में, 90 रुपए में। और इसमें तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं, घाटा दे देगा भैया, ये तेरा घाटा, एडवांस में दे या बाद में दे, ऐसे एडवांस में देते हैं। इस ऑप्शन में क्या है, वो बेच देगा माल, उसको लेना पड़ेगा खरीदार को 90 रुपए का पर प्रोडक्ट है, और ये प्याज है 1000 किलो, तो 90,000 का बेचेगा, उसकी अभी मार्केट प्राइस है 70,000, मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस प्राइस वो एट ए टाइम है 70,000, और नेट जो मुनाफा है, ठीक है जी, जो नेट मुनाफा है आपको बता देते हैं 20,000, और इसमें से घटा दो 10,000 को, उसने घटा एडवांस पेमेंट दी थी, ये 10,000 का लॉस जो उसने एडवांस में दिया था, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना उसमें 10,000 देते हो, तो नेट मुनाफा उसको हो गया 10,000 का प्रॉफिट। दस हजार रुपए का प्रॉफिट,